छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस बड़ा सियासी खुलासा करने को तैयार बैठी है, क्योंकि कुछ दिनों से कांग्रेस प्रमोद नाम के व्यक्ति का जिक्र कर रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अलग अलग ट्विटर पर ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इसको लेकर सस्पेंस क्रिएट हो गया है और हर कोई जानने को उत्सुक है कि आखिर प्रमोद कौन है। वही प्रमोद वाले पोस्ट पर अब INC छत्तीसगढ़ ने ट्विटर पर ट्वीट किया है, जिस पर पेन ड्राइव का फोटो शेयर कर INC छत्तीसगढ़ ने कहा, ना ईजी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। बस थोड़ी देर में आखिर क्या है ये पेन ड्राइव का सच। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल जी। नमस्कार सर। सर, कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रमोद नाम का जिक्र कर रही है, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में। साथ ही INC छत्तीसगढ़ ने ट्वीट कर जो लिखा है, ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी, बस थोड़ी देर में, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए तरुणा, ये जो ये सुबह से ही जो है ट्वीट जो है भूपेश बघेल का, वो हंगामा मचा चुका है। देखिए कल यहाँ पर ईडी की रेड हुई थी, एक बड़ी रेड हुई थी, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप है महादेव, उस सिलसिले में एक ड्राइवर, कांग्रेस पार्षद के पूर्व ड्राइवर, मतलब उसके जहाँ नौकरी छोड़ चुका है, उसके जो है खंडहर नुमा मकान में जब रेड हुई ईडी की, तो 5 करोड़ रुपए वहां पे मिले। 5 करोड़ रुपए वो वहां पे बेड के दीवान में थे और यहाँ तक कमोड में तक पैसे भरे हुए थे। उस बात को लेकर भारी हल्ला मचा और उसको लेकर भाजपा जो है कांग्रेस पर हमलावर हुई, लेकिन सुबह सुबह जो है उसको न्यूट्रल करने के लिए, जो है उस हमले को न्यूट्रल करने के लिए, ईडी की कार्रवाई को न्यूट्रल करने के लिए, सुबह सुबह भूपेश बघेल की ओर से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रमोद को उन्होंने क्या कहा और प्रमोद ने उनको क्या बताया, थोड़ी देर इंतजार करिए। आप थोड़ी देर इंतजार करिए के नाम से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। भूपेश बघेल से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करिए। उसके बाद एक नया ट्वीट आ गया कांग्रेस का, भूपेश बघेल का, उसके बाद दीपक बैज का, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के यहाँ के, और उसके बाद कांग्रेस के लोग उसको वायरल कर रहे हैं। ना अब ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, अब पेन ड्राइव बोलेगी। अब इस पेन ड्राइव को लेकर सारी चर्चाएं जो है बड़ी गर्म है यहाँ पर। अब देखिए प्रमोद के नाम से जो है, यहाँ प्रमोद तिवारी जो है राज्यसभा सदस्य वो आए हुए हैं। दूसरी बात, एक प्रमोद शर्मा जोगी कांग्रेस के थे, जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उसको लेकर है। और तीसरा एक यहाँ रायपुर में प्रमोद दुबे थे, जो प्रमोद दुबे जो थे वो अभी इस बार टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। तो अब प्रमोद नाम के, तो प्रमोद नाम से लेकर कोई चर्चाएं जितनी हो सकती है उतनी हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी है, वो भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। और ऐसा लगता है कि इस चुनाव में सिर्फ जो है मुद्दों से भटकाया जा रहा है जनता को। संकल्प पत्र आना है तो ईडी की कार्रवाई को न्यूट्रल करने के लिए ये सीडी और पेन ड्राइव की बात की जा रही है। जी तरुणा। सर, इस पूरे मामले को लेकर एक बात और सामने आई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी में प्रमोद नाम के 3 नेताओं की बात की जा रही है, जिसमें प्रमोद शर्मा, प्रमोद दुबे और प्रमोद तिवारी है। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिरी तीनों प्रमोद को लेकर ट्वीट किया गया है या फिर कोई और प्रमोद है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए प्रमोद कौन है इस बात का तो पता किसी को चल नहीं रहा है। देखिए ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। मैंने जो भी 3 नाम लिए वो यहाँ पे इनसे बड़े, इनके अलावा और कोई बड़ा नाम प्रमोद नाम का है नहीं, तो प्रमोद के नाम से यही बात चल रही है। दूसरी बात जो है, खुद जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने भी कह दिया कि थोड़ा इंतजार करिए। तो अब सिवाय कयास के और अटकलबाजियों के इस पर कुछ हो नहीं सकता, और अटकलबाजियों का बाजार यहाँ भारी गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है, और राजनीति में ये जो है इस तरह जो मुद्दों से भटकाने का जो खेल चल रहा है वो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चल रही है। जी जी सर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।